खबर सारण बिहार से, जहां शिक्षक निर्वाचन एमएलसी आफाक अहमद के समर्थन में एमएलसी सचिदानंद राय के द्वारा शिक्षक साथियों के साथ एक बैठक अमनौर प्रखंड के हरिजी हाईस्कूल के सभागार में रखी गई थी, जिसमें उन्होंने शिक्षक के मुद्दों पर विधान परिषद में अपनी बातें रखी। शिक्षकों को शिक्षण कार्य में रखा जाए, उन्हें दूसरे कार्य से दूर रखा जाए, तभी शिक्षक सही रूप में बच्चों को शिक्षा दे सकेंगे, लेकिन उनको समर्थन विधान परिषद में नहीं मिला। इन सभी बातों की चर्चा आज सारण एमएलसी सचिदानंद राय ने शिक्षकों के समक्ष रखी। उन्होंने शिक्षक साथियों के बीच एक अपील के माध्यम से बताया कि वर्तमान परिवेश में इस बार एमएलसी के चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे, आफाक अहमद को वोट दें, वो अपनी बातें एवं आपकी समस्या चुनाव में जीतने के बाद रख पाने में सक्षम रहेंगे। शिक्षकों के मुद्दे पर सरकार को विवश करेंगे, इस बार मुझ पर विश्वास किए हैं, मेरे विश्वास की वजह से उन्हें भी एक मौका जरूर दें। आज इस बैठक में अमनौर प्रखंड के हाई स्कूल के शिक्षक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक मौजूद रहे। इस दौरान सारण एमएलसी सचिदानंद राय ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। उस निर्णय का प्रभाव ऐतिहासिक होगा। क्यों? आज दूसरा क्रम है जबकि एमएलसी बना, करीब सात साल हो गए, 7 साल तो सदन के अंदर और बीच में चुनाव करने के चलते 7-8 महीने और पे तथा कथित एमएलसी बनकर घूमते रहा, और 7 वर्षों का जो सदन का अनुभव रहा है उस अनुभव का ये परिणाम है। आज अमनौर में बैठक हुई है, बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? जनसभा समर्थित उम्मीदवार आफाक अहमद साहब के लिए हम वोट मांगने आए थे, शिक्षकों के बीच अपनी बात रखी और शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए एक आंदोलन की जो शुरुआत हो रही है उसमें पहला कदम है आफाक साहब को विजयी बनाकर सदन में भेजना। स्नातक शिक्षकों के लिए क्या करेंगे, कहेंगे अपने उनके पक्ष में? हम शिक्षकों की बात कर रहे हैं, स्नातक का चुनाव हम लोग नहीं कर रहे हैं, किसी को समर्थन नहीं कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था के लिए हम लोग एक अच्छे शिक्षक को प्रतिनिधि के रूप में जिताने के लिए प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।